राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आईआईटी और नीट में सफल विद्यार्थियों के सम्मान समारोह को किया संबोधित। विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह और मेडल प्रदान कर किया सम्मानित। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को दी चेतावनी, कहा आगामी चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सात अधिकारियों के किए तबादले। भवानी सिंह देथा को प्रमुख शासन सचिव युवा मामला एवं खेल विभाग के पद पर लगाया। राजस्थान उच्च न्यायालय ने अर्जेंट टेम्पररी बेसिस के आधार पर हो रही एएनएम भर्ती 2023 पर लगाई रोक। भर्ती की अंतिम चयन सूची और नियुक्ति आदेश हुए थे जारी। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और जापान की सेना के बीच जारी युद्धाभ्यास। धर्म गार्जन में दोनों देशों के सैनिक अपने कौशल का कर रहे हैं प्रदर्शन। लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश भाजपा की टीम में किया गया बदलाव। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने नई टीम की घोषणा। जयपुर के पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने विद्याधर नगर थाने में की जनसुनवाई। परिवादियों की समस्याओं को सुनकर जल्द निस्तारण के दिए निर्देश। चित्तौड़गढ़ में किसानों को 10 दिवसीय डेयरी और वर्मी कंपोस्ट का दिया गया निःशुल्क प्रशिक्षण। इस दौरान प्रशिक्षणार्थियों को स्वरोजगार शुरू करने के किया गया प्रेरित। चूरू के रतननगर में स्वच्छ भारत मिशन में अपनी भूमिका निभाने वाले 65 सफाई कर्मियों को किया गया सम्मानित। कार्यक्रम का उद्देश्य सफाई कर्मियों का सम्मान कर समाज को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना। पिंक फेस्ट के दूसरे दिन शास्त्रीय संगीत, नृत्य, फोटोग्राफी सहित अनेक सत्रों का हुआ आयोजन। 3 दिवसीय फेस्टिवल में संगीत, साहित्य और कला को एक मंच पर लाना है प्रयास। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 15 से 17 मार्च को आयोजित होगा राजस्थान बिजनेस ट्रेड एक्सपो। 1200 से अधिक एंटरप्रेन्योर लगाएंगे विभिन्न प्रोडक्ट और सर्विस की प्रदर्शनी। राजस्थान रणजी टीम के पूर्व क्रिकेटर रोहित शर्मा का हुआ निधन। रोहित शर्मा का नाम राजस्थान के आक्रामक बल्लेबाजों में था शुमार। जयपुर में निकाली गई नगर दर्शन जीव जागरण धर्म यात्रा। यात्रा में शाकाहारी बनने के लिए लोगों को किया गया जागरूक। चूरू में जहरीला पदार्थ खिलाकर 9 मोरों के शिकार करने का मामला आया सामने। संदिग्ध युवा युवती को लिया हिरासत में। और जयपुर के दौलतपुरा थाना पुलिस ने की कार्रवाई। अवैध शराब के 580 कार्टन सहित 2 तस्करों को किया गिरफ्तार।